आप सभी को जय की, खुदा वलियसू के नाम में आप सभी को सलाम ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ़ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एक बार फिर से मैं आज के वर्ड में आज के कलाम आज के वचन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ चाहे आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं या मुझे आप इंडिया से बाहर देख रहे हैं मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने आज का टाइटल पढ़ा होगा क्या हम वही पीढ़ी हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेगी जी हाँ हम ही वो पीढ़ी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर देखेगी इस वचन को लीड करने से पहले मैं आपको कुछ और भी बातें आज मैं समझाना चाहता हूं इस वर्ड को प्रेज करने से पहले लेकिन मैं सबसे पहले मैं आप सबों के लिए आज ये प्रेयर करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी दया आपको मिलती रहे आप जानते होंगे कि संत पोलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु के लिए बड़ा दुख उठाया गॉस्पल प्रीच होने के कारण हर जगह उन्हें गलत समझा गया लोग उन्हें मारते थे पीटते थे अपने लोग उन्हें समझते नहीं थे कभी कभी मौसम की मार उन पर पड़ती थी और कभी कभी बहुत सारी अनफेयर थिंग्स उनके साथ होती थी एक तरफ़ उनके ऊपर बड़े दुख थे लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पोलूस कहाँ भी नहीं रुका हर समय वो बढ़ता गया बढ़ता गया वो अन्य भाषाओं में बात करता था उसने कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया उसने प्रचार किया वो से मिलता था और तीसरे स्वर्ग में वो उठा लिया गया लेकिन आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है वो एक बार भी ये नहीं कहता है कि आज मैं जहाँ हूँ मैं अपनी दुआओं के कारण हूँ मैं बाइबल स्टडी की वजह से हूँ मैंने फास्टिंग्स की मैं इसलिए हूँ वो कहता है मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है ब्रैकेट में कि पॉल कहता है मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर की मदद से हूँ परमेश्वर ने मेरी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने के लिए इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता आया हूँ और आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि सदैव परमेश्वर का अनुग्रह ग्रेस ऑफ गॉड उसका फजल आप पर बना रहे और याद रखिए अनुग्रह सबके लिए नहीं होता अनुग्रह उन्हें मिलता है जो अपनी गलतियों को मानते हैं एक्सेप्ट करते हैं और ईमानदार बनते हैं उन्हें ग्रेस मिलता है इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बहुत ही उम्दा बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि यस इट्स टफ ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास अब सभी जानते होंगे कि जब परमेश्वर ने पहला इंसान और पहली लेडी बनाई थी आदम और हवा जब उसने बनाई तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आदम को ये कमांड दिया था कि तू इस गार्डन में जितने भी फ्रूट्स हैं हर एक को खा सकता है लेकिन गुड एंड ईविल भले और बुरे का जो वृक्ष है जो फल है तो उसमें से न खाना और आप जानते होंगे जब बाइबल ऐसा कहती है जब हवा ने डेविल ने जब उसे टेम्पटेशन में डाला और हवा ने उसे खाया बाइबल नहीं कहती है उस टाइम लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जब आदम को भी खिलाया गया तब उनकी आंखें खुल गई और वो एक दूसरे के नंगेपन को देख पा रहे थे अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ क्यों हवा के खाते ही वे दोनों नंगे नहीं हुए लेकिन जब आदम ने खाया तो उन दोनों के आंखें खुल गई वो महिमा चली गई वो चरित्र चला गया सब कुछ सेकंड्स में बदल गया मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं हर एक को अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में सबसे ज्यादा मीटिंग सुनते हैं मीटिंग अटेंड करते हैं बाइबल रीड करते हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर एडजस्ट करने की उम्मीद भी वो सबसे ज्यादा आपसे ही करता है बाइबल कहती है जिसे दिया जाता है उसे लिया जाता है याद रखिए परमेश्वर हमेशा घर के एक व्यक्ति को बुलाता है पहले समटाइम्स वो फैमिलीज को भी बुलाता है लेकिन जहां तक मैंने देखा है 90 परसेंट वो फैमिली के एक व्यक्ति को चूज करता है चाहे वो लड़का हो लड़की हो बुजुर्ग हो कोई भी हो उसे स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो उसके द्वारा अपने परिवार में आपके परिवार में वो पहुंचता है आपने देखा होगा कि परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं उतर आया हूं इसलिए तू आ ताकि मैं तुझे मिस्र भेजूं परमेश्वर को काम करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है दुनिया अगर वो चाहे तो वो खुद पूरी दुनिया चला सकता है लेकिन उसने यह काम इंसान को दिया है इसलिए इब्रानियों में लिखा है हम स्वर्गदूतों से थोड़े कम बनाए गए हैं उनकी ताकत में हमारी ताकत में थोड़ा फ़र्क है और उसके बाद लिखा है हमें आदर और महिमा का मुकुट उसने हमारे सरों पे रखा है आप देखिए ये सारे जानवर हमसे डरते हैं आज आज इंसान परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है आप जानते हैं जब आदम ने पाप किया तब उन उनके उनकी आंखें खुल गई अब मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं जब मूसा को प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ाकर तू यहां ले आ क्या आपने नोटिस किया जैसे मूसा ऊपर गया बाइबल बताती है उसे दस आज्ञाओं को लेने के लिए जब वो वहां पर गया तो उसे चालीस दिन चालीस रात लग गई और क्या हुआ जब मूसा ऊपर गया तो नीचे क्या हो रहा था सारे लोग बिगड़ गए बाइबल कहती है सारे लोग बिगड़ गए वो मूर्ति पूजा करने लग गए वे पता नहीं कौन सी कौन सी हरकतें करने लग गए तो परमेश्वर ने मूसा को कहा तू जा तेरे लोग बिगड़ चुके हैं चालीस दिन लीडर न होने के कारण चर्च की कंडीशन देखिए क्या हो गई आदम ने फल खाया देखिए चीजें बदल गई आप आगे पढ़िए आपको पता चलेगा जब जब राजाओं की किताबों में लिखा है ये पहला राजा और दूसरा राजा में लिखा है वन किंग एंड सेकंड किंग जब लीडर बुराई में था तब तो प्रजा भी पाप में गई प्रकाशित वाक्य की सातों कलिसियाओं के बारे में पढ़िए लेटर कलिसियाओं को नहीं लिखा गया था लेटर वहां के दूत को लिखा गया था सुमरना के कलिसिया के दूत को यह लिख लीडर्स को लिखा गया था और आप पढ़ के देखिए जब पॉल एफिशियंस के चर्च को जब छोड़ने ही वाला था वो कहता है मेरे जाने के बाद बेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और जुर्ण को पूरा तितर बितर कर देंगे इट मींस उन्हें ऐसी कंडीशन कर देंगे कि सब लोग अलग अलग हो जाएंगे पॉल ये नहीं कहता है कि मेरे रहते हुए पॉल कहता है मेरे जाने के बाद क्योंकि पॉल एक ऐसा लीडर था कि वो दुष्ट आत्माओं को चैलेंज करता था कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ नहीं आ सकते एक दिन मैं यहाँ की जो गेट कीपिंग है मैं एक दिन छोड़ूंगा एक दिन मैं द्वारपाल का काम छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक मैं दरवाज़े पे खड़ा हूँ कोई भी नहीं आ सकता मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ सिर्फ एक चीज़ अगर आप अपने घर के अंदर एक अकेले विश्वासी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों में आपको स्ट्रांग होने की नीड है कई लोग आप पर ब्लेम करेंगे कि आपने अपना धर्म बदल दिया है आपने पैसे लिए हैं धर्म बदलने के कई लोग आपको झूठे जूटे इल्ज़ाम लगाएंगे कि अब आप ऐसे हो वैसे हो कई बार ये चीजें सुन के हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं खुदावन के लिए गाली सुनना एक ब्लेसिंग है बचपन से हमने अपने नेचर की वजह से गालियां खाई हैं क्या ही धन्य है वे लोग जो खुदावन के लिए खाते हैं यीशु ने कहा धन्य हो तुम ब्लैसेडर आर ब्लैसे दोस्त तुम आशीष हो जब मेरे कारण लोग तुम्हारी बुराई करें तुम्हारी निंदा करें एक जगह लिखा गया है लूका में कि तुम्हारा नाम काट दें इट मीन्स आपके साथ कोई संबंध न रखें क्योंकि आपने यीशु का पीछा किया है अपने आप को स्ट्रांग बनाइए जो लोग आज जिन लोगों की आप परवाह करते हैं कि ये मेरे लिए क्या सोचेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं आपके बीमार होने पर आपको ये एक मेडिसिन देने के लिए नहीं आएंगे और हम इनकी परवाह करें हम सोचें कि ये क्या सोचते हैं आजकल कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को परिवार के अंदर चुना था आज वही कमजोर हो गए हैं तो परमेश्वर मूव कैसे होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों मूसा चला गया प्रजा बिगड़ गई पॉलुस चला गया कलीसा खराब हो गई आदम ने पाप किया सब कुछ अलग अलग हो गया राजाओं ने पाप किया प्रजा बिगड़ गई प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखिए सातों कलिसियाओं के दूत को देख बाइबल बताती है बाइबल हर जगह कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें जब चुना एक लीडरशिप दी हम पास्टरों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मैंने तुम्हें लीडर बनाया है और तुम्हारे कलीसिया की उन्नति तुम पर है जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम खुदा के करीब नहीं जाएंगे हमारी कलीसिया के अंदर वो अभिषेक कैसे आएगा शाउल के दिनों में हर व्यक्ति तरणी था जिसको हिंदी में और एक अलग एक वर्ड मिलता है कर्जदार जिनके ऊपर बहुत कर्जा था आप पढ़ के देखिए शाहुल के समय में हर व्यक्ति इसराइल में उन दिनों में काफ़ी सारे लोग कर्जे में थे लेकिन जब वो दाऊद की लीडरशिप में आए वे सब आज़ाद हो गए क्योंकि अन काम करती है आज मैं आप हर एक से पूछना चाहता हूँ जितने भी लोग प्रभु में हैं आपका परिवार प्रभु में नहीं है या आप देखते हैं कि आपका परिवार एक मसी परिवार है बचपन से ही आप मसी में हो आपका जन्म ही इस तरह हुआ है पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आप एक व्यक्ति हो जो थोड़े सीरियस हो लेकिन जो पीछे हैं उनमें से कोई सीरियस नहीं है अगर आप उन्हें बताते भी हो कि प्रभु आने वाले हैं तो वो हल्के से लेते हैं मैं में से हर एक को कहना चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जिससे दिया जाता है उसी से लिया जाता है हो सकता है आप इन दिनों में चर्च अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो आप जानते हो जितना आप खुदावन के करीब जाते हो उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको चुना था और परमेश्वर ने आपके अंदर काम किया था और यदि आप ही पीछे हो जाएंगे तो वो परिवार जो आपका परिवार है वो आपके साथ कैसे स्टैंड होगा मैंने रिसेंटली एक चर्च में ऑनलाइन मीटिंग ली थी और उस मीटिंग का नाम था एट विट फेथफुल विटनेसेस आठ विश्वास योग्य गवाह आप जानते हैं क्यों नू के परिवार के सातों लोग उसकी पत्नी उसके तीन बेटे उसकी तीन बहुएं क्यों वो सातों लोग नू के साथ खड़े थे क्योंकि नू परमेश्वर के साथ खड़ा था हम जितने भी लोग परमेश्वर में चुने गए हैं हमें स्टैंड होना है हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमें गुनाह में जिंदगी नहीं बितानी हमें खुदावन के साथ चलना है याद रखिए यर्मिया अकेला था यशाया अकेला था प्रभु यीशु मसीह अकेले थे आप देखिए बहुत सारे अकेले थे लेकिन ये हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहे प्रभु के साथ चलते चलते इन पे बड़ी रुकावटें आई ये क्रिटिसाइज़ किए जाते थे घर से बाहर से फेलो क्रिश्चन से लेकिन ये खुदा के साथ चलते रहे कई बार इन्हें बीमारियां आई खुदा के साथ चलते रहे कई बार इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई लेकिन ये खुदा के साथ चलते रहे और एक दिन क्या हुआ परमेश्वर ने के द्वारा मूव हुआ और पूरी नेशन हिल गई आप देखिए यर्मिया जब प्रचार करता था यशाया जब प्रचार करता था इन्होंने पूरे जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया था एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ चलता है क्या कहा प्रभु ने एक जगह पे इब्राहिम से यदि सदों में दस भी धर्मी होंगे तो मैं उस नगर को नाश न करूंगा धर्मियों के कारण नगर बचाए जाते हैं तो जरा सोचिए उनके परिवार न बचेंगे आज मैं हर एक उस व्यक्ति को संदेश देना चाहता हूं जो अपने घर में अकेला विश्वासी है या आप एक ऐसे हैं कि जिसका जन्म मसीह परिवार में हुआ आप तो सीरियस हैं लेकिन आपका परिवार सीरियस नहीं है आपका परिवार अभी भी परम परं, परं, परंपराओं को मान रहा है मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ हर एक को स्टैंड विद गॉड प्रभु के साथ खड़े रहिए उसे कहिए कि वो आपको मजबूत करे और मैं आपको बताना चाहता हूं जब एक और दस के कारण नेशंस बच रही है तो हमारा परिवार क्यों ना बचेगा खुदावन जब उन उनके द्वारा नेशंस तक जा सकता है तो वो हमारे परिवार तक क्यों नहीं जाएगा बी स्ट्रांग जो व्यक्ति अपने परिवार में खुदा को सबसे ज्यादा जानता है वही अपने घर का एक लीडर है और उससे चाहिए कि वो और स्ट्रांग बने मूसा गया प्रजा बिगड़ गई पोलूस गया कलिसिया बिगड़ गई राजा बिगड़े प्रजा बिगड़ गई प्रकाशित वाक्य की सातों कलीसियाओं के दूतों को लिखा गया आप जानते हैं बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई थी एक दिन मैंने प्रेयर की थी कि प्रभु क्या आप भी रोते हैं क्योंकि मैंने लाजर के समय पे जब ईशु उसकी कब्र पे गए थे ईशु जानता था कि वो उसे मुर्दों में से जिलाएगा फिर भी वो रो पड़ा जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु क्या आप आज भी रोते हैं जानते हैं मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिखाया कि मैं कब रोता हूं बाइबल बताती है ईशु यरूशलम जा रहा था और जब उसने दूर से यरूशलम को देखा बाइबल बताती है वो रो पड़ा और उसने कहा ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है आज भी जिस चर्च के पास अच्छे लीडर्स नहीं है खुदा उनके लिए रोता है आंसू बहाता है क्योंकि वो जानता है कलीसिया की उन्नति एक लीडर पे डिपेंड करती है घर की उन्नति उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है जिसे चुना गया था और प्रभु ने उसे किसी समय बहुत कुछ दिया था मेरे भाइयों मेरी बहनों जब तक आप आगे नहीं बढ़ते आप किसी को आगे बढ़ने के लिए लीड नहीं कर सकते मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलिए जो पर जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके साथ चलते रहिए मैं यीशु के नाम से कहता हूं बहुत जल्द हमारा परिवार हमें कहेगा कि यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है जीवन की सौगंध हर घुटना झुकेगा हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है बहुत जल्द आपका परिवार आपके जीवन को देखकर कहेगा कि मैं यीशु को तुझ में देख पाता आमेन आइए मेरे भाइयों मेरी बहनों इससे पहले कि हम वचन को स्टार्ट करें मैं इसका टाइटल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ हाँ हम ही वो पीढ़ी हैं, जो उसे बादलों के साथ देखेंगे और मैं चाहता हूँ इस समय आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रकाशित वाक्य इसे इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन और उर्दू में आप खोज सकते हैं मुकाशफा मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ पहले 11 चैप्टर खोलिए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य मराठी में प्रकटीकरण आप खोल लीजिए उसके बाद हम प्रेयर करेंगे उसके बाद मैं ये वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों बिलीव करता हूं कि यस मैं यीशु को बादलों पर देखूंगा और हम वो पीढ़ी हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे सबसे पहले आप खोल लीजिए रेवलेशन चैप्टर 11 और आई एम दुआ करेंगे हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं कि हम ही वो लोग हैं जिनको आपने चुना है ताकि हम आपको देखें होने दे प्रभु के आज का वचन हमें आज़ाद करे हम इन बातों से आज़ाद हो कि तेरे आने में बड़ी देर है मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ये विचार तेरी तरफ से नहीं है जो भाई जो बहन ये विश्वास करते हैं कि उसके आने में अभी भी बहुत देर है होने दे प्रभु कि वो लोग इस शैतानी विचारों से आज़ाद हों तो समय कहा था दुष्ट है वह सेवक जो विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है होने दे प्रभु आज हमसे बात कर और प्रभु सत्य के द्वारा हमें आज़ाद कर यीशु के नाम में आमैन एनामेन मेरे भाइयों मेरी बहनों वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीटिंग के लास्ट में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ दो अनाउंसमेंट्स करूँगा ये दोनों आपकी उन्नति के लिए हैं, मेरी आपसे विनती है कि उन अनाउंसमेंट्स को ज़रूर सुनिए और एक अपकमिंग वीडियो है जिसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्यू थोड़ी कुछ चीजें मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लास्ट की इन दोनों अनाउंसमेंट्स को जरूर सुनिए अब आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं जी हां मैं विश्वास करता हूं हम वो पीढ़ी हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ग्यारह अध्याय चैप्टर इलेवन का नाइन्थ वर्ड सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे कौन है ये दो लोग जिनके लिए लिखा गया है कि उनके बदन रस्ते पे पड़े होंगे उन्हें मट्टी नहीं मिल पाएगी और लिखा है सब लोग उन्हें देखेंगे मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर वो पहला व्यक्ति है जिसने आदम को गॉस्पल बताया था हमें लगता है गॉस्पल जीसस या जॉन द बैप्टिस्ट लेकर आए पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया का पहला सुसमाचार प्रचारक समय परमेश्वर है क्या कहा उसने आदम और आवाज से और शैतान से हे शैतान स्त्री के स्त्री के अंदर से कोई आएगा जो तुझे कुचलेगा और तू उसकी एडी को डसेगा इट मीन्स वो खुद डैमेज होकर तुझे हरा देगा मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर है जिसने स्त्री मरियम उसके उसमें से एक पैदा होने वाला जीसस और शैतान की हार का उसने वर्णन किया था इस दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने गॉस्पल शेयर किया है वो समय खुदावंत है और उसी जगह से जहाँ पर आदम पाप में गिरा था अदन की वाटिका से ही उसने गॉस्पल प्रीच किया है अब जानते हैं जैसे परमेश्वर ने ये बात कही उसके बाद देखिए बहुत सारे नबी आए भविष्य वक्ता आए, उन्होंने आते ही बहुत सारी बातें कही मलाकी कहता है धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे जीसस। आपने देखा होगा मूसा ने उन्हें कहा था कि जिस रात तुम वहां से निकलोगे अपने घर पे ब्लड की चौखट पे ब्लड लगाना यह सिंबल है कि यीशु खून बहाएगा आपने देखा होगा जब मूसा एक प्लेस से पास हो रहा था इसराइल को लेके तो उसने क्या किया जब सांप डस रहे थे पाप करने के कारण तो उसने एक पीतल का सांप लिया और लकड़ी पे चढ़ा दिया ये लकड़ी क्या है जीसस और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 700 साल पहले यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले यशाया ने भविष्यवाणी की थी मैं फिर से करेक्ट करता हूं अगर मैंने इससे पहले मिस्टेक की हो तो ईशु के आने के 700 साल पहले बाइबल बताती है एक नबी आया जिसका नाम था यशाया उसने भविष्यवाणी की कि एक कुमारी गर्भवती होगी एक पुत्र को जनेगी और प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी वो क्रूस पे मारा जाएगा मैं सारी भविष्यवाणियां एक साथ नहीं लेकिन मैं एक मिक्स करके आपको बता रहा हूं कि उसने कहा कि कुमारी गर्भवती होगी प्रभुता इट मींस गवर्नमेंट उसके शोल्डर पे दी जाएगी वो लकड़ी पे मारा जाएगा इवन जीसस मॉर्निंग में किस समय उठ के खुदा को सुनेगा इसकी भी भविष्यवाणियां थी अब जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि ईशु के आने से पहले 700 साल पहले ये प्रोफेसी हुई थी कि वो कुमारी के द्वारा गर्भवती एक कुमारी गर्भवती होगी और बेटे को जन्म देगी उसके बाद किसी और ने ये भविष्यवाणी की कि वो बैतलह में पैदा होगा लेकिन वो जो उसकी जो उसकी अपब्रिंगिंग होगी वो नासरत में होगी वो नासरी कहलाया आप देख सकते हैं मती के अंदर बहुत बार लिखा गया है ये इसीलिए हुआ क्योंकि नबी ने ऐसा कहा था ये इसीलिए हुआ ताकि भविष्य वक्ता का वचन पूरा हो ये इसीलिए हुआ ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो आपने देखा होगा कई बार सुसमाचारों में ये बातें बताई गई हैं कि ईशु ने ये इसीलिए कहा ताकि प्रोफेसी पूरी हो आप जानते हो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हर नबी हर भविष्य एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते थे कि बहुत जल्द यीशु आएगा ये बात अलग है कि उन्हें पता नहीं था कि उसका नाम यीशु होगा लेकिन वो हमेशा इस बात को सिंबल सिंबल देते थे हमें कि मसीह आएगा और बाइबल बताती है 2021 साल पहले परमेश्वर ने एक स्वरदूत को नासरत में भेजा और जैसे ये स्वर नासरत में उतरा एक स्त्री एक लड़की जिसकी एंगेजमेंट सिर्फ यूसुफ के साथ हो चुकी थी उसके सामने आके कहता है मरियम भयभीत न हो डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है तू गर्भवती होगी पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना और वह उसकी एक सेवकाई होगी वह अपने लोगों के पापों से उन्हें छुड़ाएगा वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और याकूब के वंशजों को संभालेगा आप पूरा नए नियम के अंदर ये पढ़ सकते हैं और बाइबल बताती है जैसे ईशु का जन्म हुआ उसके बाद ईशु का नाम आठवें दिन ईशु रखा गया और बाइबल बताती है उसके बाद वो बारह साल की उम्र में एक दिन रूशलम में आया वहां खो गया वहां पर शास्त्रियों से बातचीत कर रहा था ये सारी बातें वहां लिखी है लेकिन फाइनली बाइबल बताती है एक दिन ऐसा आया जब वो तीस साल का हुआ क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को तीस साल में बुलाया क्यों यीशु तीस साल में आया क्यों यर्मिया तीस साल में आया मैं बिलीव करता हूं एपोस्टल्स भी लगभग तीस के थे दिस इज एज ऑफ मैच्योरिटी ये एक ऐसी एज है जहां पर परमेश्वर हमें मैच्योर कर देता है मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं सेवकाई करने के लिए इंसान को जितना ज्ञान की जरूरत है उतना ही मैच्योरिटी की भी नीड है मैच्योरिटी का मतलब होता है अनुभव एक अनुभव मिलना एक एक्सपीरियंस मिलना अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं इससे पहले के परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाए वो आपको तरह तरह के अनुभव देगा बाइबल बताती है ईशु अपने मां बाप के अंडर में रहा था और लिखा गया है वह बुद्धि और डील डोल में बढ़ता गया इसका अर्थ क्या है इशू सिर्फ बदन में नहीं बढ़ता गया सिर्फ हाथ बड़े हुए पैर बड़े हुए लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो विस्टम और अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस में भी बड़ा हुआ मैं आपको मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके कद बड़े हैं पर दिमाग आज भी बच्चों का है उन्हें पता नहीं है किससे कैसे बात की जाती है उन्हें पता नहीं है किससे कैसे डील की जाती है जो मन में आया बोल देंगे जो जुबान पे आया बोल देंगे कुछ भी काम करने से पहले सोचेंगे नहीं एडवाइस नहीं लेंगे खुदा के पास नहीं जाएंगे सब गलतियां करके बाद में आकर किसी को बोलेंगे कि मैं मुझसे गलती हो गई है अब मैं क्या करूं ये वो लोग हैं जो इमेच्योर हैं लेकिन मेच्योर व्यक्ति की एक साइन होती है वो कम बोलते हैं सलाह लेकर काम करते हैं वो अपनी डील्स को सोच समझ के करते हैं वो हर शब्द को तोल मोल के बोलते हैं ये एक अनुभवी व्यक्ति की पहचान होती है की को पौलुस कहता है, मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है क्योंकि तुम मसीह के अंदर अब भी बच्चे हो आप जानते हैं एक कलीसा को पौल वैसा प्रचार नहीं कर पाया जैसा वो करना चाहता रहा जो उसकी डिजायर थी क्योंकि ओ, वो मेच्योर नहीं थे और आप जानते हो मेच्योर कैसे होते हैं हम मेच्योर होते हैं जब हम अपने घर से निकलते हैं मुझे आज भी याद है एक समय किसी ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे कहा मैं जॉब नहीं करना चाहता मैंने बोला क्यों उन्होंने कहा अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा मुझे एक बात पता ही आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं क्या यह आपको चर्च में पता चलेगा आप कितने स्ट्रांग हैं क्या ये आपको सिर्फ उन प्लेसेस पे पता चलेगा जहां पर बिलीवर्स के सिवा कोई नहीं रहता याद रखिए आप और मैं कितने स्ट्रांग हैं यह तब तक, तक नहीं पता चलेगा जब तक हमारा सामना स्वार्थी बुरे लोगों और घमंडियों से नहीं होता है आप देखिए कई बार अगर एक घमंडी व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आपको भी गुस्सा आ रहा है तो आपके सामने जाहिर हो जाएगा कि आप कितने नम्र हो अगर आपके बुरे लोग नहीं मिलते हैं तो आप कैसे पहचान पाओगे कि आप कहां पहुंचे हो परमेश्वर इस दुनिया में हमारे सामने ऐसे लोगों को ले आता है जो हमें बुरा भला कहते हैं बेजती करते हैं हमारे पीठ के पीछे बातें कहते हैं हमारे लिए बहुत सारे हमें ब्लेम्स लगाते हैं और जब हमें वो बातें पता चलती हैं इससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों जीसस को मेच्योरिटी की एज में मिनिस्ट्री मिली थी जैसे यीशु तीस साल के हुए बाइबल बताती है वो यर्दन नदी पे आए और उनका चचेरा भाई जॉन द बैप्टिस्ट उनका कजिन ब्रदर वहां पर प्रचार कर रहा था मन फिराओ परमेश्वर का राज्य आ गया है गवन को नीचे करो ऊपर खाबर जो मार्ग है पहाड़ है वो नीचे किए जाए बाइबल से प्रचार कर रहा था और जैसे यीशु उसके पास जाते हैं उन्होंने वहां पर जाके जाकर लिया और उसके बाद बाइबल बताती है एक बार फिर से वो परखा गया डेविल उसको पता नहीं कैसे कैसे परख रहा था और परखने के बाद ऐसा लिखा गया है उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला बीमारों को चंगा किया कोड़ियों को शुद्ध किया रहा चलते उसने हर जगह यही प्रचार किया परमेश्वर का राज्य आ गया है उसने ये नहीं कहा वीजा पाने के लिए मेरे पास आओ उसने ये नहीं कहा कि चंगाइयां पाने के लिए आओ उसने ये नहीं कहा कि जिसके पास खाना नहीं है मेरे पास आओ नो no डाउट सबकी जरूरतें वो पूरी करता है क्योंकि वो दयालु है लेकिन उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य में इनवाइट किया हम कहते हैं पश्चाताप करो नहीं तो नरक चले जाओगे और लोग स्वर्ग जाने के लिए अपने पापों से मन फिराते हैं ईशु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आया है आप जानते हो परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या होता है आदम ने जब पाप किया तो उसने प्रभु के घर प्रभु के घर से प्रभु को निकाल दिया वो समय परमेश्वर का घर था लेकिन जब उसने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गया और उसके बाद आप देखिए परमेश्वर ने रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया इंसान को वापस उसे रीमेक करने का उसने काम स्टार्ट किया और यीशु आके कहता है कि गॉस्पल सिर्फ यह नहीं है कि आपको वीजा मिल जाएगा आपको पैसे मिल जाएंगे आपको चंगाइयां मिलेंगी आपके एक माले वाले घर दूसरे माले वाले बन जाएंगे वगैरह वगैरह उसने एक ही बात कही वह खुदा जिसको तुमने निकाल दिया था वो एक बार फिर से तुम्हारे अंदर राज्य करना चाहता है इसलिए पश्चाताप करो साढ़े तीन साल तक उसके टॉपिक्स ये नहीं होते थे सात स्टेप अमीर बनने के सात स्टेप एक फेमस बनने के सात स्टेप ये करने के वो करने के उसका एक ही लक्ष्य होता था उसका एक ही टॉपिक होता था परमेश्वर का राज्य इवन बाइबल बताती है कि चालीस दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद वो हमारे बीच में था और वो लिखा गया है और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो उन्हें नहीं बता रहा था कि मैं कितना दर्द से गुजरा हूं वो उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा था आप जानते हो परमेश्वर में राज्य करना चाहता है वो चाहता है कि उसके अंदर आपके अंदर उसकी चले यीशु ने परमेश्वर का राज्य प्रचार किया और उसके बाद आप देखिए दुष्ट आत्माएं निकाली गई बीमार चंगे किए गए कोड़ी शुद्ध किए गए परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया गया और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ येशु मसीह जब जानते थे कि अब बहुत जल्द वो मारे जाएंगे और उसने उन सारी बातों के विषय में कहा जो उसके जाने के बाद होनी थी सुनामी आएगी भूकंप आएंगे राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे महामारियां आएंगी मेरे भाइयों मेरी बहनों यीशु ने ये सारी बातें कही और आप जानते होंगे उसने ये कहा कि जब मैं वापस तुम्हें लेने के लिए बादलों पर आऊंगा उससे पहले ये घटनाएं होंगी और इतिहास गवाह है उसके जाने के बाद ये चीजें सिर्फ अब नहीं इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ वो बलिदान हुआ उसे कीले मारे गए उसे कोड़े मारे गए उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पैर पे पैर चढ़ा के कीले घुसा दिए गए और उसके बाद उसने उस क्रॉस पे हर एक को माफ किया, वो मारा गया गाड़ा गया और खुदावन ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया और वही यीशु इस पृथ्वी पर मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात यहां पर था और उसके बाद वो उठा लिया गया और अब तक वो वही है प्रेरित के काम में लिखा गया है सारी बातों को सुधरने का वो इंतजार कर रहा है आप जानते हैं मैं क्यों मानता हूं कि मैं वो हूं जो खुदा को बादलों पर देखूंगा मैंने क्यों आज ये कहा कि हम वो पीढ़ी हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे आप जानते हैं प्रभु ने कहा था कि उसके आने से पहले बहुत सारी बातें होंगी और मैं नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ चिन्ह है ये बातें कब से होती आई हुई हैं कब से यीशु ने कहा सुनामी आएगी सुनामी पहली बार नहीं आई है आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए इससे पहले भी कई बार समुंदर अपनी सीमा लांग के बाहर आया है इंडोनेशिया में कई बार ऐसा हो चुका है भूकंप मैं समझता हूं ईशु के आने से पहले भी भूकंप आते होंगे अभी भी आते हैं पहले भी आते थे आप देखिए महामारियां जो जो इस बार जो कोविड आया हुआ है वो पहली बार नहीं है इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं आप जानते हैं यीशु ने जो बातें कही थी के जो बातें होंगी ये बातें सिर्फ यीशु के आने से पहले नहीं हुई है इससे पहले भी कई बार हो चुकी है पर आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो इस दुनिया में न आज तक कभी हुआ है जब से दुनिया बनी है और यह सिर्फ और सिर्फ अब होगा सुनामी पहले भी आई है महामारियां पहले भी आई है मैं आपको बताना चाहता हूं भूकंप के झटके पहले भी आए हैं सूखा पहले भी आया हुआ है लेकिन कौन सी वो बात है जब से दुनिया बनी है वो चीज आज तक नहीं हुई है लेकिन वो अब हमारे टाइम में होगी आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है दो लोग आएंगे और वे प्रचार करेंगे उनका प्रचार इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्ट्रेट होगा कि लोग सह नहीं पाएंगे लोग उन्हें मार देंगे उनके मरने के बाद खुशियां मनाई जाएंगी लोग एक दूसरे को दुकानों से गिफ्ट्स लेकर बेचेंगे क्योंकि दोनों मर गए आइए मैं समझाना चाहता हूं अब आपको बहुत जल्द पलक चपकते ही हम बदल जाएंगे हम उठा लिए जाएंगे और उसके बाद शुरू होगा एक सताव उसके बाद चालू होंगे कलेश के दिन जिसमें एंटी क्राइस्ट आएगा जिसमें वन वर्ल्ड जो गवर्नमेंट है वो आ जाएगी जिसमें हैकल बनेगा जिसमें तबाही मचेगी आप जानते हो बाइबल क्या बताती है सूरज थोड़ा नीचे आ जाएगा और लोग उसकी तपस से जुलस जाएंगे उन्हें फोड़ियां आएंगी ये सब बातें होंगी और मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे प्रभु यीशु मसीह इस समय कलीसा को उठा के ले जाएंगे उसके कुछ समय के बाद ये तकलीफें चालू हो जाएंगी एंटी क्राइस्ट रिवील हो जाएगा तीसरा मंदिर बनना स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारी जो डिजिटल करेंसी है वो आ जाएगी ये सारी बातें होंगी लेकिन इस बीच में क्या होगा बाइबल बताती है दो लोग हमारे बीच में आएंगे मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि आप उन्हें क्या कहते हैं लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि वो दोनों हैं मूसा और एलिया मैं फिर से कहता हूं अगर आप किसी और बात पे बिलीव करते हैं कि नहीं मूसा और एलिया नहीं है कोई और हैं वो ठीक है जैसा आपका ईमान है लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं कि वो मूसा हैं और एलिया हैं। कई लोग कहते हैं बदर मूसा तो मर गया मुझे एक बात बताइए एलिया को तो जीवित उठाया गया है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और प्रोफेसीज भी हैं कि वो आएगा एलिया तो आएगा ही आएगा मैं क्यों कहता हूं कि वो मूसा है मुझे बताइए क्या बाइबल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी वापस पाने के लिए खुदावन लड़ा था आप जानते हो जैसे मूसा मरा उसकी बॉडी डेविल लेके भाग गया था आप पढ़ के देखिए यहूदा में लिखा गया है एक प्लेस पे लिखा गया है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपके सामने रेफरेंस डाल देता हूं यहूदा की किताब यहां लिखा है वचन परंतु प्रधान स्वरदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ आप बात में आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ क्यों लिखा है कि जैसे मूसा की बॉडी चुरा ली गई एक स्वरदूत पीछे गया और उसने शैतान को कहा ये नबी का बदन है मुझे वापस कर क्यों परमेश्वर इतने सारे लोग मर गए लेकिन किसी की बॉडी के लिए उसने कुछ नहीं लिखा पर इसकी बॉडी को पाने के लिए खुदावन लड़ा था क्योंकि परमेश्वर को ये बदन उपयोग में लाना था मैं बिलीव करता हूँ बहुत जल्द हम उठा लिए जाएंगे उसके बाद सताव कलेश सब स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं क्रिश्चियंस बिलीवर्स और आप जानते हैं उन्हीं दिनों में दो गवाह इस दुनिया में आएंगे एक एक एलिया एक मूसा हो सकता है आप बिलीव करते हैं एलिया और हनोक क्योंकि हनोक भी जीवित उठा लिया गया था लेकिन यह मेरा ईमान है कि एलिया और मूसा आएंगे और जैसे वो आएंगे उनका प्रचार इतना स्ट्रेट होगा हम तो कहते हैं ना पाप मत करो बचो सेव रहोगे मुझे लगता है वो ये आके कहेंगे अब जो पाप बंद नहीं करेगा वो मरेगा और लोग उनकी प्रीचिंग से इतने इरिटेट हो जाएंगे इतने परेशान हो जाएंगे कि एक दिन वो उनको मार डालेंगे उनके कत्ल किए जाएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद क्या होगा यहां लिखा है जब उनके शव वहां पड़े हुए थे यहां क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर ये वर्ड आ रहा है नाइन्थ वर्ड सब लोग कुलों और बादशाहों और जातियों के लोग उनके शवों को साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जितने भी लोग अब मुझे देख रहे हैं मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां लिखा गया है कि वो दो गवाह आएंगे प्रचार करेंगे मारे जाएंगे और लिखा है हर व्यक्ति उनको देखेगा मुझे एक बात बताइए सवा सौ करोड़ तो सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं आप जरा सोचिए 198 से ज्यादा कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में कैसे सब लोग वहां पर आके एक, एक, एक छोटे से देश इजराइल में सब आके कैसे देख सकेंगे मुझे एक बात बताइए मैं बहुत ही सिंपल आपसे बात पूछना चाहता हूं प्रभु के कलिसिया के उठाए जाने के बाद जब सताव और कलेश का समय चालू हो जाएगा और ये दो गवाह उन दोनों में प्रचार करने के लिए आएंगे और यहां पर बाइबल साफ कहती है कि उन दोनों का प्रचार सुन के लोग इरिटेट और परेशान हो जाएंगे लोग उन्हें मार देंगे उनके बदन जो है वो रस्तों पे पड़े होंगे और लिखा है हर जाति हर कुल का व्यक्ति उन्हें देख पाएगा मुझे एक बात बताइए आखिर सारी दुनिया एक छोटे से इज़राइल देश के अंदर आके कैसे देख सकती है आप जानते हैं वे कैसे देखेंगे मोबाइल पे यह प्रूफ है आज कि हम वो पीढ़ी हैं आज से सौ साल पहले डेढ़ सौ साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था कि लोग इतने दूर दूर से एक दूसरे से बात कर सकें लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है हमारे पास सेल फोन है आज देखिए इसराइल में क्या होता है आप न्यूज़ पे देख पाते हैं आपने इन दिनों में देखा होगा जब इसराइल और हमास की लड़ाई हो रही थी कैसे फिलिस्तीनी और इसराइल के लोग लड़ रहे थे लड़ाई कहां हो रही थी इसराइल में लेकिन आप कहां देख रहे थे अपने फोन में अपने टीवी पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज से दो तीन सौ साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था लेकिन हम वो लोग हैं कि जब वो नबी आएंगे हम तो यहां नहीं होंगे हम खुदा के पास होंगे लेकिन हम वो पीढ़ी हैं जिन दिनों में फोन आया हुआ है टेक्नोलॉजी रेस्ट हुई है और हम वो लोग हैं जो इस पीढ़ी के लोग हैं और आप सोचिए जब यहां लिखा गया है कि हर कुल हर जाति उन लोगों को देख पाएगी इट मीन्स वे अपने फोन में उन्हें देख पाएंगे हम वो पीढ़ी हैं जो खुदावन के लिए उठा लिए जाएंगे क्योंकि हमारे समय में ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे भाइयों मेरी बहनों ये तो मैं आपको वचन के साथ प्रूफ दे रहा हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिस समय टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी उन दिनों में वो क्या कहता है प्रभु स्वर्ग से उतरेगा हम उठा लिए जाएंगे तुम नहीं हम इंक्लूडिंग मी पॉलुस के टाइम पे तो कोई महामारी नहीं थी कोई सुनामी नहीं थी कोई उन दिनों में मैंने इतिहास पढ़ा है जिन दिनों में में इस दुनिया में रहता था उन दिनों में यह बातें नहीं थी मसीहों पे सताव बहुत था लेकिन उन दिनों में इतना यह प्रॉब्लम नहीं था लेकिन उसके बाद भी वो बंदा ये बिलीव करता था यस मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे आते हुए देखेंगे इसलिए थेलोन की उम्र वो कहता है एक दिन तो रही बजेगी प्रभु उतरेगा हम बादलों पर वो ये नहीं कहता कि तुम वो कहता है हम अपने आप को वो एक करता है और कहता है हम उठा लिए जाएंगे हर वो सच्चा विश्वासी ये बिलीव करता है अपनी जनरेशन में कि हम वो जनरेशन हैं जो उसे देखेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों उसके पास तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं फेसबुक व्हाट्सएप उसके पास सेलफोन नहीं था कि इसराइल में या इंडिया में या कहीं और कुछ होगा तो वो देख पाएगा उसके पास तो टेक्नोलॉजी ना होने के कारण भी वो कहता है कि हम वो लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे लेकिन आज तो हमें प्रूफ मिल गया है कि यस ये ये चीज़ें हमारे टाइम में हुई हैं दो तीन सौ साल पहले भी पॉसिबल नहीं था कि अगर कहीं और हो रहा था लोग रेडियो में फ्रिक्वेंसी जो होते हैं फ्रिक्वेंसी को फिट करके थोड़ा बहुत सुनते थे लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है आप देखिए वे देखते रहेंगे पहले लोग सुनते थे न्यूज आज हम देखते हैं देखते रहेंगे आप चाहें तो आप फिर से पढ़ सकते हैं मैं पढ़ रहा हूं स्क्रीन पर भी सब लोग लोगों के शवों के साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों क्या आपको इससे बड़ा प्रूफ कोई चाहिए कि हम ही वो लोग हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं प्रभु आ रहा है द लॉर्ड इज कमिंग बंद करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप तैयार हो रहे हैं आप जानते हो कौन से लोग तैयार होते हैं जो दूसरों की नहीं परंतु अपनी जिंदगी को जांचते हैं कि वो कहां है यीशु ने कहा निन्यानवे बेड़े थी और एक खो गई जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है ये निन्यानवे जो बेड़े हैं ये धर्मी हैं। आप जानते हो उन निन्यानवे बेड़ों में अब आराम से पढ़ के देखिएगा वो पैराबल यीशु क्या कहता है वहां पर इन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है उन निन्यानवों के लिए क्या वो परफेक्ट हो चुकी थी नो no. वो एवरी डे रिपेंड करती थी वो ऐसे लोग थे वो एक ऐसा बंच था जो प्रतिदिन अपनी गलतियों को पहचानते थे खुदावन के पास जाते थे अनुग्रह मांगते थे फजल मांगते थे क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा अनुग्रह हमें यीशु की तरह बनाएगा तैयार हो जाइए दूसरे क्या कर रहे हैं विराट कोहली ने सौ रन बनाए अमेरिका के राष्ट्रपति बदले गए इस देश ने ये किया इसने ये किया ये पिक्चर लग रही है इस क्रिकेटर ने सन्यास लिया ये सब जान के आपको कुछ नहीं मिलना है नेटफ्लिक्स पे मूवियाँ और एपिसोड देखने से आपको कुछ नहीं मिलना है तैयारी कीजिए आप वो पीढ़ी हैं जो उसे देख पाएंगे तैयारी तैयारी कीजिए तैयार हो जाइए बहुत जल्द आप उसे बादलों पर देखेंगे आप तुरई तो की आवाज को सुनेंगे हम लो जाएंगे मीडिया उन दिनों में एक बड़ी खबर दिखाएगा कि इस दुनिया में एक सेकंड में करोड़ों लोग गायब हो चुके हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों हाँ हम ही वो पीढ़ी हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे लेट्स प्रे स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने हमें हाँ हम ही वो पीढ़ी है प्रभु जो आपको देखेंगे हमें तैयार होने में मदद करें हेल्प करें होने दे प्रभु कि हम दूसरों का नहीं परंतु अपना जीवन जांचें कि हम कहाँ गलत हैं उस रोशनी की कदर करें जो तू हमें देता आया है मैं आपको सारी महिमा आदर देता हूं प्रभु जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हर एक पे आपका हाथ आए हर एक पर आपकी दया हो हम आपको महिमा और आदर देते हुए इस प्रार्थना को यस्सु के नाम में मांगते हैं पिता आमीन आमीन मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ सिर्फ दो मिनट बने रहें मैं आपके सामने सिर्फ दो अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं बहुत सारे लोग इन दिनों में कन्फ्यूज हैं कि रैप्चर प्रभु का उठाया कलिसा का उठाया जाना और प्रभु का दूसरा आगमन जिसे हम कहते हैं यीशु का दूसरा आगमन बहुत लोग इस बारे में कन्फ्यूज हैं मैंने कई लोगों से पूछा है कि प्रभु आ रहा है हमें लेने आप इस चीज़ को क्या कहते हैं वे कहते हैं दूसरा आगमन पर मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल इसे दूसरा आगमन नहीं कहती इन चीजों को हम क्लियर कर पाए कि इस बार जब प्रभु अपने कलीस्याओं को लेने के लिए आ रहा है उसका आना और उसके बाद जब वो सात साल के बाद आएगा फिर आना इन चीजों को पूरी तरह से हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वीडियो बनाना बनना स्टार्ट हो चुका है बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको समझाया जाएगा कि प्रभु का अब जो आना है और फिर सात साल के बाद जो दोबारा आना है इसमें क्या अंतर है क्या डिफरेंसेस हैं एक एक कॉमा एक एक बिंदु एक एक फुल स्टॉप एक एक क्वेश्चन मार्क जो आपके माइंड में है क्लियर किए जाएंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो मेरा नहीं है ये एक परमेश्वर की दासी का है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ब्लेस्ड हैं वो परमेश्वर ने उन पर बहुत सारे ऑसम रेवोलेशन्स रिवील किए हैं और उनका एक चैनल है जिसका नाम है द स्पिरिट एंड द ब्राइट सेस कम आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे उनके चैनल की लिंक है आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब वीडियोस और आर्टिकल्स आपको मिलते रहें और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो आने के बाद एक और टॉपिक वो शेयर करने वाली हैं जो इस बात को रिवील करेगा कि एंटी क्राइस्ट कली से उठाए जाने से पहले आएगा कि बाद में आएगा मैंने थोड़ा बहुत तो आपको एक्सप्लेन किया आज लेकिन वो विस्तार से करेंगी इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ उस चैनल पे ज़रूर जाइए वहाँ पर ऑलरेडी दो वीडियोस हैं उनको देखिए और दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो ये है आप जानते होंगे इन दिनों में पैंडेमिक है और चर्चेस बंद हैं और मैं आपको एक देना चाहता हूँ आज लास्ट डिसाइपलशिप मीटिंग में 900 लोगों ने भाग लिया 900 मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि लोग मेहनत कर रहे हैं नोट्स बना रहे हैं उसके बाद वो डिसाइपल में आ रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में कलिसियाएँ बंद हैं और हम हर मीटिंग अपनी ज़ूम पे ले रहे हैं और तीन हज़ार लोगों के लिए फिलहाल हमने सीट्स रखी हैं आप वहां पर आकर वर्ड को सुन सकते हो अपने घर से और अगर आप इन मीटिंग्स में हिस्सा लेना चाहते हो लाइव मीटिंग्स होती हैं तो आपको सिर्फ़ एक काम करना है आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और जैसे वो डाउनलोड हो जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे है जस्ट आप वहाँ पर क्लिक करें और आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और आपको जूम मीटिंग्स की लिंक्स मिलेंगी और आप मीटिंग अटेंड करके जो कुछ आप सीख रहे हैं आप उसके नोट्स बनाइए और नोट्स हमें अपने चर्च के ऑफिशियल नंबर पर भेज दीजिए और उसके बाद हम आपको डिसाइपलशिप लेंगे उसके बाद आपको मेंटरशिप मिलने के चांसेस हैं तो मैं आप सबों को इनवाइट करना चाहता हूं ज़रूर आइए और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारी कलीज Uh, हमारी जो चर्च है जीसस इस लाइफ वो विधवाओं और अनाथों की शुद्धि स्टार्टिंग से लेती आई है पर इन दिनों में काम बंद होने के कारण ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं और राशन के लिए पैसे नहीं है बच्चों की फीस नहीं है और हम उनकी मदद कर रहे हैं जितनी भी हमने ताकत परमेश्वर ने दी है यदि आप भी हमारी कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर इस समय यह नंबर आ रहा है आप हमें यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हो और हम आपको अपना अकाउंट नंबर बेच देंगे मैं सारी बातों के लिए आज खुदावन का शुक्र करता हूं अगर आज की शिक्षा से आप सहमत हैं तो जरूर कमेंट करें और कमेंट में एक ही बात लिखें हाँ मैं वो पीढ़ी हूं जो प्रभु को बादलों पर देखेगी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है अगर आप सच में आज की शिक्षा से सहमत हैं कि यस ब्रदर मैं वो हूं जो उसे बादलों पर देखूंगा तो ज़रूर कमेंट करें आपका कमेंट हमें उत्साह से भर देगा मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूं जय मसीह की